अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं धोखाधड़ी मामले की। उदयपुर जिले के सराड़ा और ऋषभदेव में रहने वाले भोले वाले ग्रामीणों को लोन दिलाने के नाम पर पैराडाइज संस्थान लाखों रुपए लेकर चंपत हो गए। इसकी जानकारी जब बेरोजगारों को लगी तो उनका जमावड़ा सूरजपोल स्थित मेवाड़ मोटर्स में लग गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि पैराडाइज नामक कंपनी ने 2 माह के लिए उदयपुर स्थित मेवाड़ मोटर्स गली में एक कार्यालय खोला और दैनिक अखबारों में विज्ञापन जारी किया, जहां से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भोले भाले लोगों ने कंपनी के नंबर पर कॉल किए तो उन्होंने कहा कि हम सरकारी एजेंसी से हैं जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के नाम पर लोन दिलवाते हैं। इसमें भामाशाह योजना, मुख्यमंत्री ऋण योजना, प्रधानमंत्री ऋण योजना की जानकारी के साथ ही कहा कि लोन में 35% सब्सिडी और 4% ब्याज पर लोन करवाते हैं। इसके लिए आपको 500 रुपया जमा करवाने होंगे, जिसमें आपके आधार कार्ड, मतदाता पत्र, खाली 4 चेक, हस्ताक्षर शुदा देने होंगे। अन्य खर्च मिलाकर कुल प्रति व्यक्ति 5,500 रुपए देने होंगे। इस पर ग्रामीण युवक युवतियों ने सूरजपोल कार्यालय आकर समस्त खाना पूर्ति कर डाली। कुछ समय बाद जब कंपनी में पता किया तो कंपनी के सभी 6 मेंबरों के फोन बंद आए और शॉप के मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि ये कुछ माह पहले ही ऑफिस बंद करके चले गए हैं। इस बात को सुनकर बेरोजगार ग्रामीण में काफी आक्रोश भर गया। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। इस ठगी में करीब 29 युवा जाल में फंसे हैं। इन सभी को एडवोकेट नरेंद्र जोशी जिला पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंचे और आज जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष सभी ने पेश होकर कार्यवाही की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने की आदेश दिए हैं। सभी लोग आज कंप्लेंट लेकर इस संदर्भ में आए थे कि इन्होंने जनवरी 2019 के अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, भामाशाह मुख्यमंत्री रोजगार लोन योजना के नाम पे इन्होंने अखबार में विज्ञापन देखा था। उस विज्ञापन को लेकर इन्होंने मेवाड़ मोटर्स गली स्थित अरमान कॉम्प्लेक्स ऑफिस आए, जो पैराडाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पे था, जिसने खुद को भारत सरकार से रजिस्टर्ड बताते हुए सभी लोगों से 500 रुपये आवेदन शुल्क के नाम पे और 5,000 रुपया इनसे मार्जिन मनी के रूप में लिया। और ये मात्र ऋषभदेव और सराड़ा तहसील के लोग ही हैं, जबकि संपूर्ण जिले के अंदर हजारों लोगों से ये ठगी कर चुके हैं। और इस संदर्भ में जब 15 दिन पश्चात भी इनकी ऋण राशि स्वीकृत नहीं हुई तो इस संदर्भ में आज सभी लोग मिलकर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर के समक्ष अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपस्थित हुए। मेवाड़ की धरती जो कि पन्नाधाय के ममता के उदाहरण दिए जाते हैं।